एनसीआर में बदमाशों के बीच आने वाले समय में बड़ा गैंग वॉर हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस गैंगस्टर का दो टीम में बंटना है। एक टीम टिल्लू की है, जिसमें नीरज भवाना समेत कई गैंगस्टर अपने गुर्गों के साथ शामिल हैं, जबकि दूसरी टीम गोगी गैंग की है, जिसे कई बड़े गैंगस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। गोगी की हत्या के बाद वो टिल्लू और उसकी टीम में जुड़े गैंगस्टरों पर हमला करने की फिराक में है। इसके चलते सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि जेल प्रशासन भी अलर्ट है। अभी के समय में गैंगस्टर मुख्य रूप से दो टीमों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टीम जितेंद्र गोगी की है, जिसमें उसके शूटरों के अलावा गैंग को लीड कर रहा दीपक बॉक्सर भी है। गोगी गैंग के साथ लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, अशोक प्रधान, गोल्डी बरार, हाशिम बाबा, संपत नेहरा आदि गैंग शामिल है। वही दूसरी तरफ टिल्लू का गैंग है, जिसके साथ नीरज भवाना, नवीन बाली, नासिर और सुनील राठी जैसे गैंग जुड़े हुए हैं। सूत्रों की माने तो ज्यादातर बदमाश दिल्ली की अलग अलग जेलों में बंद हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह एक दूसरे गैंग पर हमला करने के लिए मौका तलाश रहे हैं। दोनों ही टीम में बटे ज्यादातर गैंगस्टर पर मकोका लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो जेल से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जेल के भीतर भी वो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। इसकी वजह से जेल प्रशासन को पुलिस की तरफ से इन गैंग्स के संबंधित इनपुट दिए जा रहे, और इसके अलावा इन दोनों ही टीम से जुड़े हुए गैंगस्टरों को लेकर क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल काम कर रही है, ताकि इनके बीच के गैंग वॉर को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।